जिला परिषद स्कूल के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले यूनिफॉर्म की योजना इस वर्ष खटाई में पड़ गई है। दिवाली से पहले स्कूल खुले, दिवाली की छुट्टी खत्म हो गई, फिर भी गणवेश नहीं मिले। माँ और बहन पर थाने में झूठी शिकायत करने का आरोप लगाकर युवक ने फांसी लगा ली। जिला अस्पताल के अति दक्षता विभाग में लगी आग के लिए 3 नर्सों को दोषी ठहराकर उन्हें निलंबित किया गया। नंदनवन क्षेत्र में कर्ज के बोझ तले दबे एक स्क्रीन प्रिंटिंग व्यवसायी ने शनिवार को फांसी लगा ली। उसकी बरामद सुसाइड नोट के आधार पर नंदनवन पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का प्रकरण दर्ज किया है। पाँचपावली इलाके में एक 70 वर्षीय वृद्ध की फटकार से नाराज एक युवक ने मारपीट कर उसकी कलाई तोड़ दी। पीड़ित व्यक्ति का कसूर इतना था कि उसने आरोपी अशरफ यूसुफ शेख को अपने नातिन के साथ छेड़छाड़ करने पर फटकारा था। रेलवे बोर्ड के फरमान के बाद रेलवे ने सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिस्टम में बदलाव करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। अब 18 नवंबर से नियमित ट्रेनें चलने का आसार है। पुलिस सिपाही भर्ती के दौरान केंद्र परिसर में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त रहेगा। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। रविवार को शहर के 32 महाविद्यालयों में पुलिस सिपाही पद के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई। शहर सीमा में मगरमच्छ व तेंदुए की मौजूदगी का प्रमाण मिला, लेकिन वन विभाग ने एक दर्जन कैमरे लगाने के बाद भी दोनों के दर्शन नहीं हुए। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की ओर से 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जाने वाली स्कॉलरशिप परीक्षा का शुल्क दोगुना कर दिया गया है। आगामी महानगरपालिका चुनाव के मद्देनजर नए मतदाताओं का नाम पंजीयन और सूची में नाम की पड़ताल अभियान चल रहा है। महानगरपालिका के स्कूलों में लगातार छात्रों की संख्या में कमी आ रही है। अंग्रेजी स्कूलों के लिए रुझान और मनपा स्कूलों में संसाधनों के अभाव से स्थिति बेहद खराब हो रही है।